अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसा गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो 750 ग्राम गाजर, 200 ग्राम शक्कर, 150 ml घी, 5 इलायची का पाउडर, 150 ग्राम खोवा, थोड़े से काजू बादाम और किशमिश। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ड्राईफ्रूट डालकर थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर इस ड्राईफ्रूट को हम घी में तल लेंगे। ये देखिए ड्राईफ्रूट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसमें इसे निकाल लेंगे। ड्राईफ्रूट्स हमने पूरे निकाल लिए हैं, अब हम इसी में गाजर डालकर गाजर को अच्छे से भून लेंगे घी में। हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से भूनेंगे। गाजर को हम अच्छे से हाई फ्लेम पर रखकर इसे एक 15 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेंगे अच्छे से। घी में हमने अच्छे से गाजर को भून लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 1.5 लीटर दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया है और हम इसके साथ चीनी भी ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम चीनी लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं, इसे अच्छे से हम मिक्स कर कर इसे ढककर पकाएंगे। देखिए चीनी और दूध को हमने डालकर हाई फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं, बीच बीच में से चलाते हुए पकाइए। हमारे गाजर भी अच्छे से गल जाएंगे और चीनी भी घुल जाएगी। इसका पानी थोड़ा सा रहते पर मैं आपको इसमें खोआ ऐड कर बताऊंगी। पानी इसमें थोड़ा ही है गाजर के मीठे में, अब हम इसमें ऐड करेंगे खोआ। चाहे तो आप अलग से शीरा बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में ही डाल दिया था ताकि दोनों मिलकर गाजर भी गल जाए और अच्छे से इसमें पक भी जाए। अब इसे डालकर हम हमारा खोआ अच्छा मिलने तक इसमें पकाएंगे और पूरा पानी सूखे तक। खोआ हमारा अच्छे से गाजर में मिल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 5 इलायची का पाउडर मैंने करके रखा था, हम इसे इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़े से हाफ ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़े से ऊपर से डालेंगे। ये देखिए पूरा पानी शीरा जो भी था हमारे गाजर के मीठे में वो अच्छे से सूख चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको बताऊंगी। ये देखिए इसे एक सर्विंग प्लेट में मैंने मीठे को निकाल कर रख लिया है। आप इसे बनाते वक्त इसमें खोआ और दूध को ज़रूर डालिए ताकि हमारा भी हलवा हलवाई जैसा लगे और बहुत ही मज़ेदार सा बने। इसे बनाने में मैंने जो क्वांटिटी ली थी उस हिसाब से मुझे आधे घंटे में यह हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।